कोरोना वायरस हमें क्या मारेगा, हम तो कोरोना वायरस से पहले हम मर रहे हैं, कोरोना वायरस हमें तो धीरे धीरे पकड़ेगा और ये भूखमरी तो हमें जल्दी मार देगा, इसलिए हम उग्रता करते कि सरकार हमें ऊपर कृपा करे, ध्यान करे, किसी तरीका से हम लोग फंसे हुए इतने भाई लोग हैं, हम लोग का खाने पीने, हमें खाना हो गया 2 दिन हो गया, इन भाई को खाना हो गया 3 दिन हो गया, हमारे घर में जब राशन नहीं, हम लोग सिर्फ पानी पी के और हम लोग गुजारा कर रहे हैं, पानी से कैसे पेट पालेंगे, पानी से 10 दिन एक दिन पाल लेंगे, 2 दिन पाल लेंगे, पानी से कितने घंटा पियेंगे, पानी पी पी के हम लोग गुजारा कर रहे हैं, पानी इतना पानी पीने से थोड़ी ना हम लोग का गुजारा कर देंगे, तो हम तो पहले मर जाएंगे, कोरोना से हमको क्या करेगा, धीरे धीरे आएंगे, पहले हम मर जाएंगे। शुरू हो जाइए। भैया हम लोग बिहार के रहने वाले सीतामढ़ी जिला के हैं, आनंद पर्वत खांसी नगर कमल होटल के पास हम लोग रहते हैं, ठीक है सर, एक नंबर गली हमारा है, और क्या कहते हैं सर, हम लोग मार्केट में काम करते थे, और मार्केट में जब से सरकार ने बंद कर दिया, जब से हम लोग को कमाई धमाई बंद हो गया, रोज कमाते थे, रोज खाते थे, 200-400 रुपये हम लोग दिहाड़ी बनाते थे, कोई ठेला ठेलते थे, कुछ करते थे, वो काम करते थे, बस इसी में हम लोग का राशन पानी के लिए पैसे उसा जेब में नहीं, हम लोग कमाते खाते कहाँ से लेके आएंगे सर, जब से बंद हो गया है तो हमारा तो पूरा हाल हो गया है, खाना खाया हम लोग का 3 दिन हो गया है, दिल्ली सरकार हम लोग का कुछ देता नहीं है, हमसे यही अर्दा करते कि हमारे बिहार सरकार कुछ हमारे लिए हेल्प करे, जो भाई लोग हमारे फंसे हुए हैं इन लोग का कोई हमारे लिए कुछ हो उपाय हो, तो सर से हम यही इरादा करते कि सरकार हमें जहाँ भी फंसे हम लोग को बुला ले, यही हम उनसे यही गुजारिश करते और कुछ नहीं करते, इतना ही हमारे ऊपर वो ध्यान करे बिहार सरकार वाले कि सरकार हम लोग का निकलने का यहाँ से मौका दे, कोरोना वायरस हमें क्या मारेगा, हम तो कोरोना वायरस से पहले हम मर रहे हैं, कोरोना वायरस हमें तो धीरे धीरे पकड़ेगा और ये भूखमरी तो हमें जल्दी मार देगा, इसलिए हम उग्रता करते कि सरकार हमें ऊपर कृपा करे, ध्यान करे, किसी तरीका से हम लोग फंसे हुए इतने भाई लोग हैं, हम लोग का खाने पीने, हमें खाना हो गया 2 दिन हो गया, इन भाई को खाना हो गया 3 दिन हो गया, हमारे घर में जब राशन नहीं, हम लोग सिर्फ पानी पी के और हम लोग गुजारा कर रहे हैं, पानी से कैसे पेट पालेंगे, पानी से 10 दिन एक दिन पाल लेंगे, 2 दिन पाल लेंगे, पानी से कितने घंटा पियेंगे, पानी पी पी के हम लोग गुजारा कर रहे हैं, पानी इतना पानी पीने से थोड़ी ना हम लोग का गुजारा कर देंगे, तो हम तो पहले मर जाएंगे, कोरोना से हमको क्या करेगा, धीरे धीरे आएंगे, पहले हम मर जाएंगे। हमारे मम्मी पापा यहाँ छोड़ के गया था, दिल्ली में आनंद पर्वत रहते, हमारा नाम उदय कुमार है, पढ़ाई करने के लिए छोड़ के गया था, लेकिन पढ़ाई खत्म हो गया सर, लेकिन यहाँ पर कोरोना वायरस जब से चला है ना, जब से यहाँ लॉकडाउन कर दिया गया है सरकार ने दिल्ली का, खाना वाना सब नहीं है, सब महंगाई हो गया है, पैसा खत्म हो गया, हम लोग का बिहार ले चले बिहार सरकार। हम लोग लुधियाना पंजाब टंडारी में फंसे हुए हैं, बिहार के आरा जिला के रहने वाले हैं, बिहार से यहाँ ना खाने पीने के राशन सामान और कुछ नहीं मिल रहा है, सरकार से निवेदन है बिहार सरकार से कि हम लोगों को बुलाएं। कोरोना के नियम का पालन करते हुए फंसे हैं, घर से बाहर नहीं निकलने दे रहा है, पुलिस गली में घूम रहा है, साग सब्जी कुछ नहीं मिल रहा है, कंपनी बंद है, पैसा कंपनी वाला दे नहीं रहा है, ऐसे स्थिति में हम लोग कहाँ जाएंगे, अब ऐसे स्थिति में हम लोग कहाँ जाएंगे, बिहार राज्य से मेरा निवेदन है, हमको तो खाए हुए 4 दिन हो गया, क्या करें, अब लगता है कि अपने आप को अब फांसी लगाना पड़ेगा, हमको बस सिलेंडर खत्म हो गया, पैसा वैसा है नहीं, रो मत निकले देता पुलिस, जब हम निकली सौ आप पैदल यहाँ से जा नहीं कर सकत आदमी, यहाँ पर सरकार से हम इसका निवेदन बा जो हमनी के खाना पीना के कोनो जुगाड़ लगावे के चाहे हमनी के घर भेजवावे, तेजस्वी यादव सर हमको मन पे जी विनती है, निहोरा है जो हम लोग राशन के व्यवस्था कराए, अरे कोरोना पड़े हम लोग भूखे मर जाएंगे, हम लोग मोबाइल नंबर दिया जाए, बोलो सुन कौन परेशानी बात होनी के, हाँ जी क्या बोलू, खाने नहीं दिक्कत।
हेलो सर, हम लोग हरियाणा में काम करते थे, हरियाणा से काम कर रहे थे, तो जब कोरोना वायरस का शिकायत आया तो ठेकेदार छोड़ कर भागा गया। हमारे पास पैसा वैसा नहीं है एक भी रुपया। हम लोग कैसे कैसे आए हैं दिल्ली देख लीजिए, हैदरपुर बादली हैदरपुर दिल्ली में है हम लोग। हमारे पास एक भी रुपया नहीं है, मेट्रो स्टेशन के पास है। अब पता नहीं, हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, वैशाली जिला थाना भगवानपुर के है। प्लीज़ कोई हेल्प कीजिए सर, बहुत प्रॉब्लम में हूँ। मेरा नंबर है 8329, यही नंबर है सर। पता नहीं अब मैं क्या करूं, बस तो चल रही है, बाकी सर पैसे वैसे है नहीं सर, मैं कुछ करूं। अब बस लंबा सफ़र जाने वाला कोई है नहीं बिहार पहुंचाने वाला। अब कैसे कैसे तो आए हैं हरियाणा से, बस इतना ही। चलो गया। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। भाई एक ऐसा व्यवस्था में हम लोग फंस चुके हैं, पूरे परदेशी यहाँ पे आ करके हैदराबाद में, कि न पूछिए। हमारे भाई जो है तमन्ने भाई, मेरा नाम तालिब अंसारी है, अनवर भाई है, इम्तियाज भाई है, मंजूर भाई है, तमन्ने नन्हे भाई है, छोटे भाई है, और भी हमारे बहुत लोग हैं जिसको खाने के लिए नहीं है, वो घर में सोया हुआ है और बहुत बुरी स्थिति में हम लोग है। हमारे बिहार के ये पप्पू यादव जो कल रात में हमने उनका भाषण सुना है, दिल को छूने वाली बात की है उन्होंने, कि अगर वो हम लोगों के लिए अगर सोच रहे हैं वो बिहार के अंदर बैठे बैठे, तो काश के वो हमारे तक के कुछ अपना ताउन पहुंचावा देते किसी भी माध्यम से, तो हमारे लिए वो हमारे लिए समझिए बहुत बड़ा अन्नदाता वो निकलेंगे हमारे लिए। श्री नीतीश कुमार को तो कुर्सी से प्यार है, वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो नाम के हमारे सरकार बने हुए हैं कि हम बिहारियों को धोखा दे रहे हैं। वो इस तरीके से मुसीबत में हम लोग फंसे हुए हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमारे बच्चे लोग सब भूखे प्यासे मर रहा है, वही जो हम लोग का कोई नहीं रहता बाबू और दादा, हम लोग कोई चुपके ही करने लगे हैं। हमारा भाई कई कई साल से भूख पापा कई कई दिन से भूखले प्यासले हम लोग बैठे हुए घर में, न राशन मिल रहा है, न गैस मिल रहा है, न पानी मिल रहा है। पानी वाले से मांगने गए तो बोला 25 रुपये देंगे, डर से हमारे पास पैसा 12 रुपया था, वो भी पानी वही जो पानी का एक गिलास पिए हैं और छोड़ दिए पैसा के ले ले तो अपना 12 रुपया उसी का। अब क्या करें इस स्थिति में, या तो हम कोरोना वायरस के नाम पर पहले से दम तोड़ना तोड़ देंगे, या तो भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमारे पप्पू यादव जो बोले हैं बहुत मेहरबानी होगा, हमारे पप्पू यादव जो है बहुत अच्छी बात बोले रहा था हमारे आप लोगों के लिए, अल्लाह हम लोग को किसी तरह बुलवा लीजिए, आपको आपके भगवान के वास्ता है। पप्पू यादव हमारे किसी तरह करके रास्ता निकालिए, हम तिलंगे में फंसे हुए हैं, सरू नगर PNT कॉलोनी ये ईदगाह के पास शारदा टाकेज के पास गली के अंदर हम लोग फंसे हुए हैं बहुत बुरी तरीके से। 8-12 दिन हो गए हम लोग एकदम से कुछ भी आने काम धंधा नहीं है, 1 रुपया नहीं है, घर पे हल्के बाल बच्चों को देखना है, बहुत कुछ हम लोगों को परेशानी है। अब जो कुछ भी सुनना है हमारे तमन्ने भाई से पूछिए, सुन लीजिए, हमारे अनवर भाई से, हमारे इम्तियाज भाई से पूछिए कि किस तरीके से लोगों का नाश्ता पानी नहीं हुआ 3 दिन से, इस तरीके से जो है बहुत ज़्यादा परेशानी में हम। अब किसी तरह करके हम लोगों को इंतजाम करके किसी तरह से बस हो टेम्पू हो किसी तरह करके हम लोग हमारे गांव तक पहुंचा दीजिए किसी तरह करके। हमारे पप्पू यादव बहुत अच्छे नेता निकले हैं, बहुत अच्छे कारगर निकले हैं, वो हमारे बिहारी के लिए इतना सोचते हैं। ये सारा गाना गाने वाला MP बन गया वहाँ दिल्ली में, आवाज तक हमारे बिहारी दिल्ली में मार खा रहे हैं, और वहाँ उसका सहारा नहीं बन रहा है, जरा बराबर सहारा नहीं बन रहा है, वो छुप गया सारा दिल्ली में, उसको जो है क्या बोलते हैं उसको MP के लायक नहीं रह गया वो जो है पप्पू, क्या नाम है उसका नाम ही भूल रहे हैं, वो नचनिया है, क्या नाम है उसका हीरो का, मनोज तिवारी जो है एकदम सारा दिल्ली में घुस गया है, वो बड़ी बड़ी बातें खाली वोट के लिए क्या है, हार गया तो पूरे बिहारी को भूल गया है, वो बिहारी नहीं हो गए जो पाकिस्तानी दिख रहा है, वो नाम का खाली बिहारी है, पाकिस्तानी सारा है वो, हाँ वो हम लोग के लिए कुछ नहीं कर रहा है, वो MP है, सांसद है, वो चाहे तो हम लोग को भूलिए बहुत कुछ कर सकता था,
कम से कम ना तुम ट्रेन खोलते तो खाने के इंतजाम तो कर देते हमारा, आए पैसे उसे कुछ तो दिलवा देते। हम लोग को तो नहीं मालूम था कि इतना इतना दीते का पति होगा, इतना देरी पति आने हम लोग पैसा नहीं भेजते, हम लोग पैसा घर में नहीं भेजते, 3,000 रुपया हमारे पास ना भेज दिए घर। अब हम लोग मत पूछने लगे बाबू और दादा और दादा हम लोग कहीं का नहीं रह जाए, खाने पीने के कुछ बोलते नहीं है, सब परेशानी आलम में डाल दिया है। बाबू बाबू कैसे रहेंगे हम लोग, कैसे रहेंगे बाबू बाबू, हम इतने नहीं भेज करेंगे हाथ जोड़ के हमारे बिहार के सरकार से, और पप्पू यादव से कहा, महेंद्र यादव से कहा, मैं सीतामढ़ी शिवनगर के रहने वाला तालिब अंसारी बोल रहा हूँ, हमारे महेंद्र यादव पप्पू यादव के खास दोस्त है, अगर वो सुन ले ये वीडियो को तो जरूर लाइक करे और जरूर पप्पू यादव से कोशिश करवा करके हम सरूनगर ये तिलंगा के अंदर हैदराबाद में जरूर कोई पोजीशन में किसी आदमी को खड़ा करके हम लोगों के रास्ता निकलवा दे। जय हिंद जय भारत। का एक मिनट तो चालू करा आप। हम लोग मधुबनी जिला के रहने वाले हैं, हम लोग खाने खाने के लिए मर हैं, अंदराठारी घर है डुमरा ब्लॉक पोस्ट डुमरा है, खाने खाने के लिए मर हैं। हम लोग को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कुछ व्यवस्था करें जो हम लोग यहाँ फंसे हैं कोरोना वायरस के चलते। सेठ लोग भी जो है ना पगार देता है ना खाने पीने को कोई सुविधा देता है, इसके लिए सरकार हम लोगों के लिए कुछ सुविधाएँ दे दे ताकि हम लोग अपना अपना घर वतन चले जाएं। और इससे हम सरकार से क्या मांगे, बस किसी तरह हम लोग घर चले जाएं, बस हम हमारे जो सुविधा यही बहुत कर दें सरकार बोली। हम लोग लूम चला रहे थे महाराष्ट्र में राजा खाजी कंपाउंड में, तो बोला कि 28 तारीख तक लूम बंद रहेगा, उसके हिसाब से हम लोगों को जो पैसा कौड़ी था अपना खर्चा कर लिए। अब जो उसके बाद जो है मोदी सरकार ने टाइम बढ़ा दिया 21 दिन के बढ़ाने के बाद सेठ लोग जो अपना मशवरा कर लिया कि भाई जिसका पगार हो खर्ची काट के आधा आधा पगार देंगे, और आगे 3 महीना बंद रहे या 4 महीना बंद रहे उसका रिस्क मैं नहीं लूँगा, इसलिए अपना जुगाड़ तुम अपना खुद करना। इसलिए जो बिहार का जो सरकार है नीतीश कुमार, मैं उससे अपील कर रहा हूँ, जो जहाँ जहाँ बिहार का मजदूर हो या कहीं का मजदूर हो उसके लिए जो है सवारी का साधन कर दें, उसको अपने अपने स्थान पर भेज दें, ताकि वह मरेगा भी भूखे भी मरेगा तो अपने बीवी बाल बच्चा भी मरेगा। यही लिए अपील है, गुजारिश है कि आप जहाँ तक हो जितना जल्दी हो सहूलत करके या कोई निर्णय कर दीजिए, कारोबार चालू कर दीजिए, सब उसमें फंस जाएगा। और गुरु से बोलवा मासू चला भाग यार चला 2 मिनट का वीडियो में बोलना पड़ता है, बोलने पड़ता ना भाई, हमको परेशानी है, खाना नहीं मिल रहा, रूम मालिक भगा रहा है। तू आ यहाँ सामने ही ना आही ना यार, बोलना हाँ कहीं माल हमको भगा रहा है, राशन बोलना यार भाई, 8 दिन से हम खा फिर ऐसे खाली फोटो ही हम देखता है, ऐसे दे दे लिया काहे से पहले हम बना दे दे पहले वीडियो लिख के डाल दो पूरा बिहार में चल जाते याद से देखी साफ खबर सुना की लेकर सुना था नहीं आ रहा है साहब, अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओ जे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।